हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड बोल। फ्रेंड्स, वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की रेसिपी है फिश से रिलेटेड। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी, लेकिन फिश करी को बनाने से पहले मैं आपको स्पेशल टिप्स भी दूंगी कि हमें फिश फ्राई कैसे करनी है, जिससे कि हमारी फिश बिल्कुल भी ना टूटे और आसानी से वो फ्राई हो जाए। और उसको फ्राई करने से पहले जब हम मैरिनेट करेंगे, तो मैरिनेट करने में हम वो कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर आप इसकी करी ना भी बनाएं और केवल फ्राई फिश को ही इंजॉय करें, तब भी इसका स्वाद बहुत औसम लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी फिश करी बनाने का बहुत ही आसान और ऐसा तरीका जिसे सब कोई पसंद करेंगे। फैमिली हो या मेहमान हो, ये सब किसी को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 850 ग्राम रोहू फिश ली है और अब मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे, और उसके बाद ही अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया हुआ है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर जो भी आपके पास में ब्रांड का हो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया, और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, तो इसे मैं 3 चम्मच ऐड करूँगी। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च में मैंने हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम रखा है, क्योंकि ये बहुत ही तीखी हरी मिर्च है, इसीलिए मैंने केवल 2 हरी मिर्च इसमें डाली थी। और इसी के साथ ही अब मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद एक नींबू का रस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस आप इसमें जरूर मिलाइएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया। अब हम पूरी फिश में अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद में अब मैं इसे लगभग 40 मिनट कवर करके रख दूंगी। और फिश करी बनाने के लिए मैंने जो मसाले लिए हैं, उसमें मैंने लहसुन की मात्रा ज़्यादा ली है, 15 से 20 लहसुन की कलियां, साबुत धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2.5 मतलब 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पीली सरसों, 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली है। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसा भी करना चाहें रख सकते हैं। और अब हम ये सारे मसाले ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसे ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर लेते हैं, और इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। एक साथ हमें सारा पानी नहीं डालना है, तो मैंने पहले इसमें थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है। तो पीसने के बाद आप देखिएगा जितना महीन पेस्ट बनेगा उतना अच्छा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट बन चुका है, तो अब हमें यहाँ पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर पेस्ट महीन ना हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे दोबारा से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सरसों का तेल गर्म कर लिया है, जिसमें मैं चुटकी भर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी फिश है वो फ्राई करते समय बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आसानी से फ्राई हो जाएगी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको आगे टिप्स दूंगी, फिश फ्राई करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बस आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा तेल में, तो उससे आपकी जो फिश है वो ज़्यादा तली में नहीं लगेगी और आप उसे आसानी से निकाल के फ्राई कर सकते हैं और वो टूटेगी भी नहीं। तो बस हमें धीरे धीरे इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम पे लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाए उसके बाद अगर आप फ्राई करेंगे तो हमारी जो फिश है वो बाहर से तो बहुत ज़्यादा ब्राउन लगेगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसीलिए बिल्कुल हाई फ्लेम में फिश को फ्राई मत कीजिएगा और बिल्कुल आसानी से हल्के हाथों से ही इसे हैंडल कीजिए, जिससे कि ये आसानी से हम पलट सकें, उलट पलट कर सकें और हमारी जो फिश है वो टूटेगी भी नहीं। तो देखा फ्रेंड्स, फिश कितने अच्छे से फ्राई हो गई, तली में भी नहीं चिपकी और टूटी भी नहीं। तो ये तरीका आप जरूर अपनाइएगा, और बाकी की भी पीसेस में फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से। ये देखने में इतनी टेस्टी लग रही है कि आगे की प्रोसेस करने का मन ही नहीं कर रहा है। चलिए तो अब मैं फिश करी बनाती हूँ, और उसी सरसों के तेल में जिसमें हमने फिश फ्राई की थी उसमें मैंने यहाँ पर तेज पत्ते डाल दिए, ये छोटे छोटे तेज पत्ते हैं इसलिए मैंने 4-5 डाल दिए, और इसमें मैंने 1/2 चम्मच साबुत जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च मैंने लंबा सा चीरा कर दिया था इसमें, इसे भी हमने डाल दिया है, और इसी के साथ अब मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को ऐड किया है,
और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। लगभग गोल्डन होने तक इसे हमें भूनना है, तो इसे गोल्डन होने में लगभग 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम और हाई के बीच में लिया हुआ है और मीडियम हाई फ्लेम में ही मैं इसे भून रही हूँ। प्याज अच्छे से भून चुका है, तो अब मैंने यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। और इसे ऐड करने के बाद में हम अच्छे से इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लिया है और मीडियम फ्लेम में ही हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। ग्राइंडर जार में जो बचा हुआ पेस्ट था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसे भी इसमें डाल दिया है। और देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। और अब मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है जिससे कलर अच्छा आएगा हमारी करी का, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये कम तीखी होती है इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और इसे भी मैं अब भून रही हूँ पूरे मसाले के साथ में। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटर की प्योरी बना ली थी, अब यहाँ पर हमने इसे भी ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद में इसे हम मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे भी हम भूनेंगे। तो सारे मसाले भुनते हुए लगभग 4 मिनट हो चुका है, ऑयल ऊपर रिलीज हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक मिलाने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में अब हमें यहाँ पर ग्रेवी को जितना पतला या जितना गाढ़ा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है। तो मैं थोड़ी सी थिक ग्रेवी बना रही हूँ इसीलिए यहाँ पर मैं गर्म पानी थोड़ा सा कम मात्रा में ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख लीजिएगा। तो बस अब हम गर्म पानी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो करी है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है, लेकिन अभी इसमें 1-2 चीज़ें डालना बाकी हैं, आगे बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब इसे हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। तो इसमें 1 बॉईल आ चुका है, तो अब मैं यहाँ पर फ्राई की हुई फिश को ऐड कर दूंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं लाना है क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी थी, इसीलिए हमने बॉईल वाटर मिलाने के बाद में एक अच्छे से बॉईल आने दिया। और बॉईल आने के बाद में हमने यहाँ पर अपनी फ्राई की हुई फिश को ऐड कर दिया है। तो फ्राई की हुई फिश को ऐड करने के बाद में हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि फिश भी फ्राई है और ग्रेवी भी ऑलमोस्ट तैयार है, बस ये मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना था। तो मैंने 1 मिनट इसे अच्छे से पका लिया और इसके बाद अब मैं इसमें ऊपर से नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस आप फिश करी में ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। आप यकीन मानिएगा हरी धनिया की पत्ती इसके स्वाद को और भी ज़्यादा डबल कर देती है। तो फ्रेंड्स हमारी फिश करी बनकर हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स इस तरह से फिश करी को आप एक बार जरूर बना के देखिएगा, आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरी और भी सारी रेसिपीज आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप मेरे चैनल में डायरेक्ट जाकर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बोल।